वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही न्यू वे में और बहुत ही आसान जो है वो ब्रेड से बनने वाली जो रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं जी ब्रेड पराठा। ब्रेड पराठा जो है वो बेहतरीन वे में मैं और बहुत ही हेल्दी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आलू का पराठा बनाना हो घर में या हमने कोई भी आटे से पराठा तैयार करना हो तो आपको पता है उसमें बहुत टाइम लगता है। पहले आटा गूंदना पड़ता है और फिर उसको कुछ देर के लिए रखना पड़ता है और फिर जाके पराठा तैयार होता है। लेकिन ब्रेड पराठा जो है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही जल्दी बनने वाली जो है वो रेसिपी है। इसके लिए हमने 5 से 6 अदद बड़े साइज की ब्रेड्स ले ली है और उनके किनारे जो है काट कर तो उनको इस शेप में ले आए हैं। 2 अदद हम इसमें अंडे यूज करेंगे। 1 दरमियाने साइज का जो है वो मैंने टमाटर ले लिया है और उसको जो मैंने पेस्ट बना लिया है यानी कि उसको ब्लेंडर में मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसमें हमें चाहिए थी 1 जो है वो बड़े साइज की शिमला मिर्च, उसको क्रश कर लिया है। 1 बड़े साइज का प्याज लेके क्रश कर लिया है। 3 से 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें जो है वो भी हमने चॉप कर ली है और 1 जो है वो बड़े साइज की गाजर लेके उसको मैंने क्रश कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। और इसमें ऐड होगा जी दही। दही हम इसमें, ये पाव की पैकिंग है तो ये दही जो है हम इसमें यूज करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी जो है झटपट सी रेसिपी बनाते हैं। तो मैंने जी ये ब्लेंडर ले लिया है और ब्लेंडर में ये हम तमाम चीजें डाल के तो उनको ब्लेंड करते हैं जी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अंडे डालेंगे इसमें। उसके बाद जो हमने ब्रेड जो है वो कटिंग करके रखी है तो ब्रेड जो है वो हम ब्लेंडर में डाल देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। आप ये फर्स्ट टाइम देखेंगे और इंशाल्लाह आप सेम टू सेम जो है इसको फॉलो कर लेंगे। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है, बच्चों के लंच में देने के लिए बहुत हेल्दी है। अब जी हम इसमें टमाटर का जो है हमने प्यूरी बनाई है या जो उसको ब्लेंड किया है वो डाल देते हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो तमाम की तमाम हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखें, इसमें जी प्याज डालेंगे और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर देते हैं। और इसमें जो मसाले इस्तेमाल होने हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल से हैं जो घर में अवेलेबल हैं और हसबे जायका हैं। इसमें हम यूज करेंगे जी नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और ये जो है हमने लाल मिर्च जो है ये सूखी लाल मिर्च जो है जो हमने क्रश किया हुआ है। तो ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और साथ ही मज़ीद इसको हेल्दी बनाने के लिए तो इसमें योगर्ट यूज़ कर लेते हैं और इसको जो है हम ब्लेंड करते हैं। जी तो ये देखिए मटेरियल माशाल्लाह से हमारा बन चुका है, पेस्ट रेडी हो चुका है। तो फ्राई पैन जो है हमने चूल्हे पे रख दिया है। तो अब हम इसको मजीद इसको हेल्दी बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यूज करेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी में भी ये बना सकते हैं और सिंपल ऑयल में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने ऑयल लेना है 1 टेबल स्पून के करीब और उसको जो है फैला देना है अच्छी तरह से। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी ये देखिए, ये हमने पराठा फॉर्म में बनाने हैं। तो ये बहुत ही 5 मिनट में बनने वाली झटपट सी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और माशाल्लाह बिल्कुल न्यू वे में मैं आपको सिखाऊंगी और आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आप बच्चों को इसको लंच में भी दे सकती हैं, बहुत ही हेल्दी है जी। तो ये एक साइड से कुक हो गया है तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं जी। तो माशाल्लाह से ये देखें दूसरी साइड की हमने चेंज कर ली है और ब्रेड पराठा जो है हमारा दोनों साइड से सीख चुका है। तो ब्रेड पराठा जो है हमारा रेडी हो गया है और दूसरा जो है हमने फ्राई पैन पर जो है डाल दिया है। तो व्यूवर्स आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो आपका पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, पतला फॉर्म में नहीं बनाइएगा। अगर आपको थोड़ा पतला लगे तो आप जो 2 से 3 अदद ब्रेड के स्लाइसिस जो है मजीद इसमें ऐड कर दें और थोड़ा सा मसाले जो है जो इसके हसबे जायका हम यूज करते हैं अगर उनमें भी थोड़ा इजाफा करना हो तो उनको भी कर दें। तो इस तरह से जो है हमने तकरीबन आधा आधा मिनट जो है इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकना है ताकि जो ब्रेड पराठा है हमारा बेहतरीन जो है वो पक जाए और उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो इसको अब पलटते हैं
जी, जब एक साइड आपकी सिक जाए अच्छी तरह से, तो आपने इसको जो है इस तरह से फ्राई पैन में ही इसको हिलाना है, ताकि अगर ये चिपका भी हुआ है तो ये फ्राई पैन से अलहदा हो जाए। तो अब हम इसकी साइड जो है वो पलट लेते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से ये जो है हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान में अच्छी तरह से इसको पका लिया है, ताकि इसमें कुछ कच्चापन ना रह जाए। अब ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन जो है ये पक चुका है। दूसरी साइड से भी हम इसको आधा मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे जी। तो व्यूवर्स माशाल्लाह से ब्रेड पराठा जो है हमारा रेडी हो गया है, और हमने एक एक पराठे को जो है वो चार चार स्लाइसेस में उसकी कटिंग जो है कर ली है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कैसा खस्ता, माशाल्लाह से मजे का और बेहतरीन जो है हमारा ब्रेड पराठा जो है वो रेडी है। तो व्यूवर्स आप उसको चाय के साथ और माशाल्लाह से अचार के साथ लें, और आपका बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट माशाल्लाह से रेडी है। तो व्यूवर्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाजत लेते हैं, फी अमानुल्लाह।